दोस्तों, आज का ये वीडियो है एक रेट्रो स्टाइल ओल्ड लुक हेलमेट के बारे में। अगर आपको चाहिए एक ओल्ड लुक रेट्रो स्टाइल हेलमेट जो कि ठीक ठाक हो और सेफ्टी पर्पज़ से भी ठीक हो और बजट में भी आ जाए, तो एक ऐसा ही हेलमेट है जो मैं लेकर आया हूँ। और साथ में उसके क्या क्या मॉड्स हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, उसमें क्या क्या एसेसरीज जुड़ जाती हैं, वो भी है। एक बबल फेस हेलमेट है ओल्ड लुक स्टड्स का। तो ये चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा और काफ़ी सारी साइट्स पे रॉयल इनफील्ड का हेलमेट है या जो बबल फेस हेलमेट है वो करीब 3,2500 रुपये से ऊपर का ही मिलता है। तो आइए देखते हैं ये हेलमेट कैसा है, क्या है। ये इस तरह का हेलमेट है स्टड्स का, जो मैंने नाई वाला करोल बाग से लिया था। और ऑनलाइन इसकी प्राइस आपको 1100-1200 की मिलेगी, लेकिन ये जो हेलमेट है ये मैंने लिया था 850 रुपये का, और लुकिंग काफ़ी अच्छा है इसका। ये इस तरह का हेलमेट है। तो एक डिसेंट सा हेलमेट है जो मैंने नाई वाला करोल बाग से लिया था 850 रुपये का। इस तरह का डिज़ाइन है, क्लासिक ओल्ड स्कूल डिज़ाइन जिसको हम कह सकते हैं, स्टड्स का है। और इसके शेल पे 1 साल की वारंटी जो है मेरे को रिटर्न में शॉप कीपर ने दी है। ये ऑनलाइन तो करीब 1100-1200 का है। अब इसका जो एड ऑन है, एक एड ऑन जिसके बिना इसमें थोड़ा सा लुक नहीं आता है, वो है बबल फेस वाइज़र। अब ये वाइज़र मैंने दिल्ली में तो करोल बाग में कई जगह सर्च किया, मेरे को नहीं मिला। फिर लास्ट मैंने वरदांची जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ऑर्डर किया है, एक वरदांची का है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं कि इसके साथ में, हाँ इसके साथ में जो एसेसरीज आती है वो एक इसका बैग है जिसमें आप इसको डाल के कैरी भी कर सकते हैं। और साथ में इसकी ये एक जो कैप है वो आती है जिसको आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इस तरह जो ये बटन हैं इसके थ्रू आप इसको अटैच कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह का एक लुक आता है। लेकिन अगर आप इसमें बबल फेस वाइज़र लगाना चाहते हैं तो जो बबल फेस वाइज़र मैंने वरदान जी से मंगाया है, आइए देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। ये प्रोडक्ट तो काफ़ी महंगा पड़ा मेरे को, 850 का हेलमेट और करीब 900 रुपये का ये वाइज़र पड़ा मेरे को। लेकिन मेरे को कहीं मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं पहले। इसमें ये मेरे पास आ तो 1 हफ़्ते पहले ही गया था, लेकिन मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया था ताकि मैं इसकी वीडियो बना पाऊँ। पैकिंग को काफ़ी अच्छी करके दी है वरदान जी ने। अगर ये दिल्ली में भी करोल बाग से अगर ट्राई करते हैं, ये 400-500 रुपये तक का मिल जाता है जो वाइज़र है। लेकिन अब जब काफ़ी गर्मी थी, मैंने इसको ढूंढने के लिए घूमा मैं दिल्ली में, मेरे को नहीं मिला, तो एट लास्ट मैंने वरदान जी से ऑर्डर कर दिया इसको। देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग करके अभी देखते हैं ये इसमें फिट होता भी है, किस तरह से फिट होगा चेक करते हैं। ये है
ये निकलता है इसमें से एक पर्पल फेस वाइजर, साथ में क्या है, हाँ साथ में वादाम जी का बिल है। देखिए बिल में जो रेट इसकी लगी है 850 रुपये और 129.66 IGST 100 रुपये शिपिंग, इस तरह से ये 950 का पड़ा मेरे को वाइज़र वाइज़र, और जो हेलमेट है वो मेरे को पड़ा 850 रुपये का। चलिए इसको साइड करते हैं। ये हेलमेट का वारंटी कार्ड जो मिला इसको करते हैं, और ये हेलमेट की कैप, हाँ ये स्मोक वाइजर है, मतलब क्लियर नहीं है, ये टिंटेड है थोड़ा सा। तो देखने में क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, ये इस पे एक और इसका कवर रैप लगा हुआ है लैमिनेटेड, क्वालिटी तो डिसेंट लग रही है, अच्छी क्वालिटी है। चलिए अब इसको फिट करके देखते हैं कि ये फिट कैसे होगा इसमें। ये फिट तो हो गया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़े स्क्रैच डालेगा, तो इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे फोम या कुशन कवरिंग कुछ यहाँ दोनों साइड में यहाँ लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये आपके हेलमेट को स्क्रैच कर देगा, क्योंकि इसका वैसे भी मैट लुक है, थोड़ा ग्राफिक्स ख़राब हो जाएंगे। बाकी तो फिटिंग हो गई है, यही अगर बबल फेस हेलमेट और साइड पे भी वेदांतची की साइड पे भी देखेंगे तो 3000 से कम का तो कोई भी नहीं है बबल फेस हेलमेट, और टोटल मिलाकर ये लगभग 2000 रुपये का भी पड़ता है, तो कूल लुक है। चलिए इसको पहन के देखते हैं कि किस तरह का लुक आता है। ये क्विक रिलीज स्टेप है इसकी, तो ये इस तरह का। इसमें इस तरह का रेट्रो ओल्ड स्कूल लुक आएगा क्लासिक, अगर आपको एक अच्छा बजट, ठीक बजट का अच्छा हेलमेट चाहिए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी हेलमेट की अच्छी है, तो आप ये स्टड्स का ले सकते हैं। इसमें और बहुत सारे ग्राफिक्स भी मिलते हैं, ग्राफिक्स का ऑप्शन भी है। इसके अलावा जो बबल फेस वाइज़र है, इसके अलावा हम इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो एक है फेस मास्क की तरह है, गॉगल है,
और आइए देखते हैं उसके अनबॉक्सिंग करके। तो जो फेस मास्क है गॉगल के साथ में, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले करोल बाग से ही ख़रीदा था, दिल्ली से भी ऑनलाइन, काफ़ी महंगा है, 600-700 ऐसे ही मिल जाएगा, और दिल्ली से तो मेरे को ये 400 रुपये करीब का मिला था। ये इस तरह का फेस मास्क है जो हम अपने ओपन फेस हेलमेट के साथ में अटैच कर सकते हैं। भी ब्लैक कलर का है, टिंटेड है, और सबसे बड़ी बात ये भी इसमें से डिटैचेबल है। अगर आपको सिर्फ मास्क पहनना है तो ये इस तरह से डिटैच, अगर आपको सिर्फ गॉगल पहनना है तो ये इस तरह से डिटैच हो जाता है, और बाकी इसको अटैच करना चाहें तो आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। क्वालिटी ठीक ठीक ही है, अब 300-400 रुपये में करोल बाग से तो ऐसी ही चीज़ मिल सकती है, लेकिन ठीक है क्वालिटी। अब आइए इसको पहनना किस तरह से है देखते हैं, चेक करते हैं। ये स्ट्रैप आपके हेलमेट में पीछे लग जाएगी, हेलमेट में जगह है। और ये जो बटन दिया होता है ये इसी स्ट्रैप के लिए दिया होता है कि आपका ये गॉगल है यहाँ पे फिक्स हो जाए और हिले ना। चलिए देखते हैं। इस तरह से है, और आप इससे अपनी जो मास्क की स्ट्रैप है उसको इस तरह से निकाल के यहाँ से लॉक कर दीजिए वापस, ये लॉक है। और आइए इसको पहन के देखते हैं। तो ये बेल्ट को इस तरह से पीछे लॉक कर दिया था जो ये बटन था यहाँ पे, और ये फेस मास्क है आ गया। अभी इसको पहन के देखते हैं कैसा लुक आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का लुक आएगा, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। ये लुक ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा एक बबल फेस वाले लुक से। इसमें आपकी आइज़ पूरी पैक हैं, वैसे शायद हाफ वगैरह जमने की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें इस तरह का लुक आएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें आईज पूरी पैक है, अंदर से आंखों तक पूरा पैक है, और जो आपका माउथ और नोज़ है वो अंदर से काफ़ी इसमें स्पेशियस है, जो जाने की जगह है इसमें, हवा काफ़ी जाने की जगह है। तो ये इस तरह का लुक आएगा। तो आपने देखा कौन से दोनों में किस तरह का लुक आता है दोनों हेलमेट में, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मॉडिफिकेशन जो है इसका, कौन सा मोड से वो अच्छा लगा हेलमेट का। और आगे राइडिंग में, अभी तक मैंने फ़िलहाल राइडिंग की तो कोई वीडियो नहीं डाली है, लेकिन आगे राइडिंग में जब हम राइडिंग करेंगे और मैं राइड करूँगा तो राइडिंग की वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो ये इस तरह से सेपरेट हो सकता है पीछे इस वाले बटन से, और आप इसको टांग के कहीं भी ले जा सकते हैं।